तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम एरी और आप देख रहे हैं टैग एरी। तो दोस्तों आज हम अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज जो कि संडे में आती है, और ये सुबह में आती है लेकिन आज सुबह में नहीं आ पाई और आज रात में आ रही है, कोई बात नहीं। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज है, आज करीब उसका एपिसोड 3 जो आज हम करने जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे थे हम उसका आंसर देने वाले हैं। फिर से क्वेश्चन इस साल कम आए हैं और कुछ बकवास क्वेश्चन भी आए हैं, तो उसके अंदर हमने सेलेक्ट करें 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। कुछ तो क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आए, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगले हफ्ते के लिए क्वेश्चन पूछ लेना, और उन्हीं क्वेश्चन का आंसर दूंगा, इन पे हैशटैग आज करीब लिखा होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है गेमर अरीब की तरफ से। आज करीब विच फ़ोन इज़ बेस्ट इन iQOO 7 एंड Realme GT Neo 2। देखिए अगर iQOO 7 से पूरी तरह हम कंपेयर करें तो Realme GT Neo 2 बेस्ट है, लेकिन अगर हम वहीं प्राइसिंग देखें और हम फंटा जो है इसको देखें, उसके अंदर डायनेमिक इफेक्ट आप कस्टमाइज़ कर सकते हो और उसके अंदर पंच होल मिड में दे रखा है, मतलब बीच में, तो वो लगता है कि आप एक नए तरह का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप ऐसे रियलमी के फ़ोन इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो और आप Realme GT Neo 2 के, तो आपको लगेगा नहीं कि हाँ मैं कोई नई चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको सेम एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं मिलेगा। और iQOO 7 की प्राइस अब 30,000 हो चुकी है बेस वेरिएंट की, और वहीं अगर हम GT Neo 2 देखें तो उसकी 32,000 है। फ़र्क सिर्फ इतना है कैमरा 64 MP का है, बैटरी 5000 mAh की है, और कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। तो आप हो सकते iQOO 7 के साथ जाएं, बेहतर रहेगा। और वहीं अगर आपको ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए और आप 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, GT Neo 2 ले सकते हैं आप, वो भी अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है। तो वो आपके ऊपर, आपको 30,000 के अंदर लेना है, 35,000 के अंदर लेना है, तो आप उसे आपसे देख सकते हैं। अगर 35,000 के अंदर लेना है तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा आप GT Neo 2 लें, और अगर आपको रियलमी का ही लेना है और आपको मतलब iQOO 7 से अच्छा चाहिए तो आप GT Neo 2 लें, वरना फिर आप iQOO 7 ले सकते हैं। प्राइसिंग के हिसाब से सही ठीक ठाक है, उसका 48 MP अच्छा है, उसके अंदर OIS है, इसके अंदर OIS नहीं है GT Neo 2 के अंदर, पर ये कैमरा 64 MP का, दोनों बराबर हम मान सकते हैं। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि आ रहा है सिफत मिर्ज़ा की तरफ से, हैशटैग आज करीब व्हेन विल स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट्स। ये तो हमें पता नहीं है हम शॉर्ट्स बनाना कब शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे हैं, अगर हमारे उन प्रभु जैसा है टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो सब आजकल शॉर्ट्स ज़्यादा बना रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं, ऑलरेडी 1-2 शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, लेकिन हाँ हो सकता है नेक्स्ट वीक से हम थोड़े शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट करें, कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है अगले हफ्ते से शॉर्ट वीडियोज़ हमारी आनी शुरू हो जाए, तो देखते हैं। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो मेरे बिल्कुल समझ के बाहर है, खैर उस वाले सवाल को अभी स्किप करते हैं, पहले हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हैशटैग आज करीब आसिफ खान की तरफ से आ रहा है, आपके पास कौन सी कार है? मेरे पास टाटा टिगोर है, टाटा कंपनी मुझे बेस्ट लगती है क्योंकि उसकी हर गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी 4 स्टार या 5 स्टार होती है, लेकिन इस सेंस मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया भाई, टेक चैनल है और आप गाड़ियों की बातें पूछ रहे हो, यार ऑटोमोबाइल वाला चैनल होता या ट्रैक एंड टेक ऑटो है तो समझ में नहीं आता, खैर चलेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ें जो आ रहा है फरहान टेक्निकल वर्ल्ड की तरफ से, तो इन्होंने पता नहीं क्या सवाल पूछा है इसके अंदर में, एक सवाल इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन इसके अंदर एक सवाल ऐसे ही इसके अंदर मैं जवाब देने वाला हूँ जो सवाल थोड़ा मुझे अजीब लगा। जैसे पिछले सवाल हमारे तरफ आया था आसिफ खान की तरफ से, आपके पास कौन सी कार है, इनकी तरफ से आया आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, मुझे हंसी आ रही है सवाल पढ़ के, भाई मेरे पास एक ही गाड़ी है, मैं टाटा टिगोर है, पिछले सवाल में आंसर दे चुका हूँ मैं। दोस्तों ये थी आज टेक न्यूज़ बोलने वाला था, ये दोस्तों ये था आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज वाला हैशटैग आज करीब वाला एपिसोड 3। अगर आपको ये वीडियो बनाई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको देखने को सबसे पहले मिल जाए, और इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अगले हफ्ते और अच्छे सवाल पूछिएगा, उनका जाके हम आंसर देंगे, लेकिन आंसर उन्हीं का दूंगा इनके अंदर हैशटैग आज करीब लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।